साथियों, उस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका पूरा परिचय भी आप ये समझ सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक सामान्य परिचय जो कहा जाता है परीक्षाओं में, वो सामान्य परिचय ये काफ़ी है और बहुत हद तक इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम के एक एक पहलू को छुआ गया है जिसमें कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहेगा, और ये एक सामान्य परिचय है। इसके बाद और जो श्रृंखला चलेगी वो प्रश्नोत्तर की चलेगी, तो वो आप लोग अलग से देखेंगे। चलिए चलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचयिता हैं वो महाकवि कालिदास जी हैं, प्रसिद्ध ही हैं ये। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कौन सी विधा है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम आखिर है क्या। तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, और इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, अंकों के बारे में पूछा जाता है कि अंक बताएं कितने हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, जो नाटक होते हैं वो अंकों में विभाजित होते हैं, और अधिकतर जो महाकाव्य होते हैं वो सर्गों में विभाजित होते हैं। तो यहाँ जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कितने अंकों में विभाजित है? ये 7 अंकों में विभाजित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रधान रस कौन सा है? तो प्रधान रस की बात की जाए तो श्रृंगार रस प्रधान है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक और नायिका कौन हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक हैं वो राजा दुष्यंत हैं और नायिका शकुंतला है। ठीक, ये याद रखना है आप लोगों को कि जो नायक हैं वो राजा दुष्यंत हैं और नायिका कौन है? शकुंतला है। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? उपजीव्य क्या कहलाता है कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है, मतलब जो भी पूर्ववर्ती ग्रंथ हैं तो उन ग्रंथों जैसा वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो किस ग्रंथ जैसा वर्णन यहाँ पर दिखता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान है, शाकुंतलोपाख्यान है, तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से भी यह कथा मिलती है। ठीक, तो यदि पूछा जाए वहाँ पर और ऑप्शन में दिया जाए कि शाकुंतलोपाख्यान महाभारत, तो महाभारत भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान है। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि महाभारत के किस पर्व में जो शकुंतला और दुष्यंत हैं इसकी कथा का वर्णन है। ऐसे कई प्रकार से घुमा करके प्रश्न भी पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर डायरेक्ट उत्तर यही लिखना है, बिल्कुल आसान है। और एक प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछ लें कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं। तो अलग अलग प्रश्न एक प्रश्न के बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो रीति है ये वैदर्भी रीति है। शाकुंतलम में कौन सी वृत्ति का विशेष प्रयोग किया गया है? तो कैशिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी वृत्ति का प्रयोग किया गया है? कैशिकी वृत्ति का। कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद ही होगा, उपमा कालिदासस्य, ये पंक्ति पढ़ी होगी। भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे शन्ति त्रयोगुणा। तो यहाँ पर जो कालिदास जी हैं इनके संबंध में कहा है उपमा कालिदासस्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम क्या है? देखें, एक ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो प्रत्येक अंक हैं उन अंकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इस अंक का नाम क्या है, इस अंक का नाम क्या है, तो ये भी पूछ लेते हैं। तो उसी क्रम में ये दिया हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का जो नाम है वो है आश्रम प्रवेश। आश्रम प्रवेश नाम का पहला अंक है। दूसरा द्वितीय अंक दिया हुआ है आश्रम निवेश। दूसरा कौन सा दिया है? आश्रम निवेश नाम का द्वितीय अंक। तृतीय अंक दिया हुआ है मिलन अंक, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है। चतुर्थ अंक दिया हुआ है विदा, जिसमें शकुंतला की विदा कर दी जाती है विज्ञान शाकुंतलम में।
पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक, याद रखना है आपको, पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक। और षष्ठम का नाम है पश्चाताप अंक, और लास्ट जो है अंतिम है, अंतिम अंक का नाम है पुनर्मिलन। तो इस प्रकार से ये सातों अंक हैं, और सातों अंकों का वर्ण्य विषय है कि किसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस रस का प्रयोग किया गया है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस रस का प्रयोग किया गया है। तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। कौन से रस का प्रयोग किया गया है? करुण रस का प्रयोग है। शाकुंतलम के हस्तिनापुर गमन का वर्णन किस अंक में है? तो ये चतुर्थ अंक में है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक किस कोटि का नायक है? देखिए, नायक चार प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो उसी क्रम में जो धीरोदात्त नायक है, उत्कृष्ट कोटि का नायक, तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा था? तो राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के राजा थे। और जो शकुंतला है वो किस कोटि की नायिका है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला है, ये किस कोटि की नायिका है? ये मुग्धा नायिका है। नायिकाओं के भी अलग अलग भेद होते हैं। आगे चलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा संध है, छंद है? श्रगधरा छंद है। याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में श्रगधरा छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। आगे चलते हैं, दुष्यंत का मित्र कौन है? दुष्यंत जो है राजा दुष्यंत, उनके मित्र का नाम क्या है? तो उनके मित्र का नाम माधव्य है, माधव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? हर नाटक में एक ना एक विदूषक जरूर होता है, तो विदूषक भी वही है, माधव्य। शकुंतला की सखियों का नाम क्या है? शकुंतला की दो सखियां हैं, एक अनुसूया और एक प्रियंवदा, तो दो सखियां हैं। शकुंतला के माता पिता का नाम क्या है? तो इनकी माता जो थी वो मेनका थी, जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी, और ऋषि विश्वामित्र, जो विश्वामित्र हैं वो ऋषि हैं इनके पिता। शकुंतला के पालक पिता कौन हैं? शकुंतला का पालन पोषण किसने किया है? तो महर्षि कण्व। याद रखना है, महर्षि कण्व ने पालन पोषण किया है। महर्षि कण्व के दो शिष्यों का नाम क्या है? तो एक का नाम तो सारंगरव है और दूसरा सारद्वत है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, इनका विवाह कौन सा किया गया था? तो गांधर्व विवाह किया गया था। शकुंतला को किसने साप दिया था? तो ऋषि दुर्वासा ने साप दिया था। शकुंतला को साथ देने के कारण, या फिर शकुंतला को शाप देने के कारण का कारण कौन था? हाँ, शकुंतला को शाप देने का कारण कौन सा था? तो अतिथि के रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार। अतिथि के रूप में जो दुर्वासा ऋषि पधारे थे, तो उनका सत्कार शकुंतला नहीं कर पाई थी, जिस कारण से उन्होंने साप दिया था। शकुंतला के साप को जानने वाले कौन थे? तो कौन कौन जानता था साप के बारे में? तो प्रियंवदा जानती थी और अनुसूया जानती थी। आगे चलते हैं, शकुंतला को शाप किस अंक में मिला था? देखिए, महत्वपूर्ण चीज है, शकुंतला को शाप किस अंक में मिला था? तो शकुंतला को शाप चतुर्थ अंक में मिला था। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? ये बताना है, शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? पंचम अंक में। राजा दुष्यंत को पश्चाताप किस अंक में होता है? तो ये षष्ठम अंक में उन्हें पश्चाताप होता है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन, दोनों का पुनर्मिलन होता है, तो ये पुनर्मिलन किस अंक में होता है? ये सप्तम अंक में होता है। हेमकूट पर्वत में आश्रम
स्थित है, किसका आश्रम हेमकूट पर्वत पर स्थित है? तो महर्षि मारीचि का आश्रम। दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका किसे प्राप्त होती है? शकुंतला की मुद्रिका किसे प्राप्त होती है? तो धीवर मीनपाल को प्राप्त होती है। जो धीवर मीनपाल होता है तो उसको शकुंतला की जो मुद्रिका है वो प्राप्त होती है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, और लगभग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रत्येक पहलू को यहाँ पर छुआ गया है जो सामान्य परिचय है। इसके बाद जो भी वीडियो रहने वाला है उसमें प्रश्नोत्तर टाइप से रहेंगे, तो और गहराई से भी आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लें जिससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें जिससे उनके पास भी पहुँचे।